इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये बात नहीं कि आप किसी को प्रेम करो, बात यह है कि वो भी आपको प्रेम करता हो। माँ भगवती पार्वती जी क्या कहती हैं, स्नेह जानत रावरो, आपके प्रेम को वो भी जानते। कौन है? अतो करुणा निधान सज्जन शीलवान। ओहो हो, मेरे ठाकुर जैसा और कौन हो। कोई कैसे भी भजन करे हो, अरे विरोधय करे, भगवान उस पर भी करुणा दृष्टि रखते। कुछ हो करे, विरोध काहे का करेगा, अतो राम जी का। चलो किसी का विरोध, किसका? अतो राम जी का। चलो राम जी का विरोध करो। कल सुनाया था, भगवान विरोध को भी अवरोध नहीं मानते हैं, उसको भी भजन ही मानते हैं। और जो श्रेष्ठ है ना, वो विरोध नहीं मानता किसी का। काहे का श्रेष्ठतम भाव, यही तो श्रेष्ठतम है। ठीक है ठीक है, ये तो बच्चों का खेला है। पिता परिवार के किसी एक भी व्यक्ति का कोई विरोध नहीं मानता है। सब स्वभाव जीव का अपना अपना, मुंडे मुंडे, सबकी अपनी अपनी चित्त की स्थिति है, भिन्न भाव। सरकार हमारे मैया कहती है, स्नेह जानत रावरो, आपके रावरो मने आपको, रौरो तुम्हारो नहीं कहा, तुम्हारो भी माँ कहती तो कोई बुरा थोड़ी था। स्नेह जानत रावरो, माँ भगवती मेरी सीता मैया को आदर देती हैं। क्यों? वो जानती हैं इन्हीं से तो हम भी हैं। अग्नित उमा रमा ब्रह्मानी उपजहि जास वंश गुण खानी, अग्नित उमा रमा ब्रह्मानी। इसलिए यही भांत गौरी असीस सुन सी सहित ही सभी माताएं सखियां प्रसन्न हो गईं। तुलसी बाबा कहते हैं, भवानी पूज पोनी पोनी, एक बार नहीं बार बार। क्यों? आपने कृपा करी माई, करुणा करी। जान गौरियन कोल सिय हर सुन जाय, मंजुल मंगल मूल वामयंग फल कर। अनुकूल भाव का आशीर्वाद पाकर सीता मैया निज निवास को चली हैं, माँ के पास आई, पुष्प दल बेल पत्र लेकर प्रभु भैया के साथ में गुरु शरण में आए। गुरुदेव ने पूजा किया, प्रभु ने सब कथा सुनाई। जैसे जैसे दिव्य वाटिका में सीता मैया से दर्शन भैया, सरकार ने सब सुना दिया हो। देखिए, जीवन में कुछ भी छिपाव का न हो, ये राम कथा की मर्यादा है। छिपाव तो कुछ रखने नहीं चाहिए। और देखिए, बता देने में जितना सुख है, छिपाने में उतना तनाव है, बहुत टेंशन होता है साहब। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत छल, ये कौन झंझट में पड़े। प्रभु ने सब गुरुदेव भगवान से कह दिया। अब गुरु जी समझ गए हो का, जो आगे होना है गुरु जी सब समझते हैं, गुरुदेव भगवान सब, अरे सब जानते हैं गुरु जी। गुरु जी सब जानते हैं, लेकिन जीव का स्वभाव है कि हम जानते हुए कि गुरु जी जानते हैं तबो नहीं मानते। ये जीव का स्वभाव है। किधर गुरुदेव भगवान, अरे सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भए सुधारे, करि भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहत करु कथा पुरानी, करि भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे सरकार हमारे। प्रसाद हुआ पूजनो प्रसाद, पश्चात प्रसाद,
भोजन हुआ, विश्राम, संध्या वेला में फिर कथा, संध्या वंदन की आज्ञा, रात्रि विश्राम, प्रातः काल हुआ, जैसे प्रभात काल हुआ, सतानंद जी महाराज से जनक जी ने निवेदन किया, महाराज ऋषिदेव राजपुत्र मुनिगणों को लेकर स्वयंवर स्थल पर आवे। स्वयंवर स्थल सजा हुआ है, गुरु सानिध्य में प्रभु हमारे आए। आते ही सभा में जितने लोग बैठे थे सब ने देखा, जिनके रही भावना जैसी, मेरे प्रभु की मूरत देखी तिन। हाँ, सबको जिसकी जैसी मति की गति होती है ना, वैसी दिखाई पड़ती है सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। शुद्ध रहिए, बुद्ध रहिए, आनंदित रहिए। देखना भी हो तो सद्भाव देखिए, कुभाव न देखिए, कुभाव से भी न देखिए ना, हो बढ़िया देखिए, मंगल देखिए। किसी के कुर्ते का बटन टूटा भी हो तो उसको बताइए मत, क्या बताएंगे, बुराई किसी को बताई नहीं, बुराई आपको अच्छी लगती है क्या सुनने में, नहीं अच्छी लगती है, दूसरे को कैसे अच्छी लगेगी, बुराई न बताई, निंदा न करिए। अब हर व्यक्ति कबीर बाबा नहीं है कि जो कोई कह देगा तो सुन लेगा, अच्छाई दिखाई पड़े तो देखिए, नहीं तो मौन रहिए। मंत्रा की एक बात बहुत अच्छी है, हम हूँ कहब अब ठकुर सोहाती, अनाही तो मौन, यही में भलाई बा, मौने में भलाई बा। घर में जो मौन साध लिया वो सुखी हो गया, जो बहुत बोलता है घरवा वाले चाहते हैं न जाने कब जाई है बाहरा। हाँ, इसलिए यहाँ प्रसंग है, मेरे सरकार को, विद्वानों को सरकार विराट स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, वीरों को वीर भाव में दर्शन दे रहे हैं, भक्तों को अपने भगवान का दर्शन हो रहा है, महाराज जनक जी के स्वजन परिजनों को निज पुत्र जैसे, अरे सखियों को भगवान रसमय दर्शन दे रहे हो। इसलिए बाबा ने कहा जिन, अरे राक्षस लोग जो राजवेश में उपस्थित भए थे उनको अपने काल का दर्शन हो रहा है, वीरों को भगवान वीर भाव में दर्शन दे रहे हैं। तब बाबा ने कहा किसकी किसकी कहूं, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त। एक ऊंचा मंच बनाया गया विश्वामित्र बाबा को रचना दिखा करके, और मुनि समेत दो बंधुता बैठा सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे बैठ गए। राजाओं के भाव का वर्णन है। इतने में सखियां महाराज की आज्ञा भई, गुरुदेव भगवान की आज्ञा भई, लेकर के सियाजू के हाथ जय जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, झुके हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी नवल तन सुंदर सारी, सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, अवचट चितय भुवाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, अब चट चित भुवाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, मैया जी के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी जयमाल लेकर माँ मेरी उपस्थित हो रही हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी देखने लगे कि मेरी माँ कितनी सुंदर हैं, आ हा ढूंढने लगे हो, ऐसी हैं माई, ऐसी जैसे ठाकुर जी विगत दिवस ढूंढ रहे थे चंद्रमा जैसा मुख है, ना 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 ना, वो सो समुद्र से निकला
20 भाई है, आ हा हा हा, बाबा भी ढूंढ रहे हैं, न मिला कुछ। निकाले कैसी हमारी जो छब सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छप शोभा रजु मंदर श्रृंगार। छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कछुआ महाराज उसके अंतस्तल में बैठे हो, श्रृंगार का मंदराचल शोभा की रस्सी बनाकर उसमें लपेटी जाए, और अपने कोमल कमल से कामदेव उस दिव्य रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे प्रेममय मंथन करे। किसका? छवि रूपी अमृत के समुद्र का। तब एह बीज उपजे लक्ष जब सुंदरता सुख तदपि सकोच समेत कभी इस प्रकार के दिव्य छवि रूपी अमृत के समुद्र मंथन करने के बाद श्रृंगार रूपी मंत्राचल के कछुआ महाराज के पृष्ठभाग पर रखकर शोभा की रस्सी बनाकर कामदेव के द्वारा संपन्न हो, तथापि कवियों के कहने में संकोच होगा, यो लक्ष्मी जी, सुखमूल लक्ष्मी जी मेरी माता जी जैसी हैं। इस प्रसंग पर मेरा आपसे निवेदन है, सौंदर्य यूं ही प्राप्त नहीं होता, सुंदरता भगवान की करुणा का प्रसाद है। भगवान की करुणा का ही प्रसाद नहीं, जीव के सदकर्मों का फल भी है। इसलिए जो जो जितना सुंदर हो, माई हो, बहनी हो, भाई हो, बंधु हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, नतकुर हो, स्वामी हो, सेवक हो, जो जितना सुंदर है उसको उतना सुंदर कर्म करने चाहिए, सुंदर परम सुंदर मेरे परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिससे अगले जन्म में और अधिक सौंदर्य भाव प्राप्त हो। यह कारण है, ऐसे थोड़ी मिला है जी, सुंदर मन नहीं मिलता किसी को, सुंदर तन तो मिल जाता, सुंदर मन नहीं मिलता, सुंदर सब कुछ मिल जाए, सुंदर घर नहीं मिलता, घर सुंदर मिले सुंदर बर नहीं मिलता, सुंदर बर मिल जाए तब सुंदर, बस सीताराम रखो, बहुत कठिन है ऐसा। इसलिए जो लोग सुंदर हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, ऐसा सुंदर करो, ऐसा सुंदर करो, तो मेरे परम सुंदर परमात्मा माँ भगवती आपको अतिशय प्रेम करें और आपके मन को सुंदर बनाकर अपने सिर चरणों में रमा ले। इसलिए सुंदर कर्म करो, हाँ सब सुंदर, यहां समझना होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।